नॉर्मली जब हम सेल यूज करते हैं तो ये बहुत ही आराम आराम से टक 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 करके स्पार्क करता है, लेकिन जैसे ही आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शोभान। आज मैं एक और होम इम्प्रूवमेंट की बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सर्दियों में जो हमारे घरों में इंस्टेंट गीजर हुआ करते हैं उसके जो सेल हैं वो बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करने के बाद बहुत जल्दी ही ज्यादा वीक हो जाया करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैं तकरीबन हर महीने में इसकी एक सेल का पेयर नया ला रहा होता था। और एक और जब बरसात का मौसम आता है तो एक और प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी इन जगहों के ऊपर आप देख सकते होंगे कि हल्का हल्का सा रस जम जाया करता है। और जो साथ में जो इसकी ये पॉइंट्स होते हैं जहां पर सेल आपका जाके उसके साथ टच होता है आपकी इस डब्बी के साथ, उसके अंदर भी आपके हल्का हल्का सा रस आ जाया करता है। तो मैं शुरू में क्या करता था कि WD-40 को यूज करके इसके ऊपर हल्का सा मारकर इसको दोबारा चला लिया करता था, लेकिन मैंने रिसेंटली उसका एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का हल ढूंढ लिया है। वो ये है कि आपने सबसे पहले एक मार्केट जाकर एक चार्जर लेकर आना है जिसकी वोल्टेज होनी चाहिए तकरीबन तकरीबन 4.8 वोल्ट। अगर ये 4.8 वोल्ट से कम भी हो जाए तो आपका फिर भी ये इसके साथ गुजारा कर लेगा। अब आपने करना ये है कि आपने ये चीज ट्रेस करनी है कि आपकी जो डब्बी है उसके साथ कौन कौन सी तार जो है वो यहां पर इसके साथ कनेक्ट हो रही है। बेसिकली इन टर्मिनल्स के ऊपर, ये देखिए यहां पर इस टर्मिनल पे, और जो पीछे टर्मिनल है ये देखिए, ये टर्मिनल जो है और एक पीछे टर्मिनल है उसके ऊपर ये तार कनेक्ट हुई हुई थी। ठीक है, अब आपने ये करना है कि जो पॉजिटिव तार है वो है येलो, मतलब इसमें लाइव करंट आएगा, और ये आपकी ब्लैक जो है वो एक नेगेटिव वायर है। अब आपने ये अडॉप्टर लेकर आना है, तकरीबन आपको ये 100 या 150 रुपए का मिल जाएगा। इस अडॉप्टर को आपने इन दो तारों के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इन दो तारों के साथ कनेक्ट कर देने के बाद आप इसको इंसर्ट कर देंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी या मोस्ट प्रॉबली यूपीएस की सॉकेट में। तो उससे होगा ये कि आपकी अनलिमिटेड लाइफ से आपका ये गीजर विदाउट एनी सेल्स जबरदस्त तरीके से चलता रहेगा। और दूसरी बात एक और होती है, इसमें जो ये जो इग्निशन लगा हुआ है ये बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। नॉर्मली जब हम सेल यूज करते हैं तो ये बहुत ही आराम आराम से टक 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 करके स्पार्क करता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें ये अडॉप्टर यूज करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से इसमें ये स्पार्क होता है और गीजर हमारा पहले की निस्बत ज्यादा जल्दी ऑन हो जाया करता है। देखिए मैं अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूं। जैसे ही मैं टूटी खोलूंगा बहुत ही तेजी के साथ यहां पर हमारे स्पार्क होगा और हमारा गीजर ऑन हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये देखिए जैसे ही मैं टूटी खोलूंगा कितना एफिशिएंटली गीजर मेरा ऑन होगा। ये देखिएगा, ये मैंने अभी टूटी खोली है, साथ ही आप देख सकते हैं कि कितना एफिशिएंटली ये मेरा गीजर ऑन हो गया है। ये जब सेल्स पर चल रहा था तो बहुत आराम आराम से स्पार्क करता था टिक 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 करके, लेकिन जब भी मैंने इसको अडोप्टर से रिप्लेस किया है तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंटली टर करके जल्दी से स्पार्क करता है और फौरन से ऑन हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप भी इस वीडियो को देखकर कितनी आसानी के साथ अपने अडोप्टर के साथ सेल को रिप्लेस कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आगे इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।